नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही अच्छे चीज़ के बारे में, जो एक ही चीज़ कई काम करेगी अगर आप अपने पौधों पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो। एक तो अगर आपके पौधों में चींटियों की समस्या है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, चींटियाँ बिल्कुल भाग जाती हैं उसके प्रभाव से। दूसरा, अगर आप उसका अपने पौधों में यूज़ करते हैं तो हमारे पौधों में फंगस नहीं लगती, फंगस से बचे रहते हैं पौधे, मिट्टी अच्छी रहती है। और तीसरा, बहुत ही अच्छा फंजिसाइड है वो, अगर आप कटिंग लगाते हैं, थोड़ी सी कटिंग उसमें आप डुबो दें, उसके बाद अगर आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी, फंगस से बची रहेगी। तो बहुत सारे कमेंट्स, ज़्यादातर डेली ही एक दो कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि चींटियों का कोई इलाज बताएं। तो मैं आज आपको चींटियों का ऐसा इलाज बताऊंगी जो बिल्कुल घरेलू, घर से ही हमें आराम से वो चीज़ मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से आप उसका यूज़ कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये गुड़हल, आप पूछ रहे थे कि कुछ लोग की गुड़हल सर्दियों में आते हैं नहीं फूल, तो मेरे यहाँ अभी तक तो गुड़हल के जितने भी पौधे हैं उन पर फूल आ रहे हैं, और लगभग मुझे लगता है कि गुड़हल पूरी साल ही फूल देता है। और ये बहुत सुंदर, आज गुलाब का भी दूसरे रंग का ये फूल खिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पौधे कीड़ों से बचे रहें, फंगस से बचे रहें। तो हम अपने घर से ही ऐसी कुछ चीज़ों का यूज़ करके अपने पौधों पर उनको स्वस्थ रख सकते हैं हर चीज़ से, चाहे पेस्टिसाइड हो या फिर फर्टिलाइज़र हो या फिर उनको चींटियों से बचाना हो, फंगस से बचाना हो, सब कुछ हमारे घर में मौजूद रहता है। मैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और आपके साथ भी हमेशा मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं अपनी उस चीज़ को, हमें कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ये है दालचीनी। दालचीनी जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, किसी भी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी आराम से, या फिर हो सकता है आपके घर में भी हो। इसको हम कूट लेंगे अच्छे से, या तो आप मिक्सी में पीस लीजिए या फिर इस तरह से आप इसको कूट भी सकते हैं, कूट के भी ये अच्छे से काम कर देगी। कूटने के बाद इसका जो एक पाउडर सा बन जाएगा वो हम निकाल लेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा छान लें तो बिल्कुल बारीक पाउडर नीचे निकल जाएगा, तो उसको हम कटिंग लगाने के लिए यूज़ करेंगे, और ऊपर का जो ये थोड़ा मोटा मोटा है इसको हम आराम से अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे तो और भी अच्छा है, थोड़ा और कूट लीजिए इसको या फिर मिक्सी में पीस लीजिए। इस तरह से कटिंग को लगा देना, जब हम कटिंग लगाएंगे नीचे से, इसमें एक बार बस कटिंग को लगा दो नीचे से, इस पर दालचीनी लग जाएगी, और फिर आप मिट्टी में लगाएं तो कटिंग पर फंगस नहीं लगेगी। बहुत ही अच्छा ये फंजिसाइड है। अब हमें इसे प्लांट्स पर कैसे यूज़ करना है, थोड़े मोटे भी अगर एक आध टुकड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि चींटियाँ इससे भाग जाती हैं, और मैंने इसका बिल्कुल कई बार इस्तेमाल करके देखा है। एक दो पौधों में मेरे कभी चींटियाँ आई हैं तो मैंने इसको डाल के देखा है, बिल्कुल एक 2 से 4 दिन में सारी चींटियाँ गायब हो जाती हैं। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करके देखें, इस तरह से डाल दें पौधे में तो चींटियाँ तो भाग ही जाएंगी, साथ ही साथ ये पौधे में फ़ायदा देगा, फंगस से बचाएगा पौधे को। तो इसका इस्तेमाल आप कीजिए, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। एक तो जिससे कि गुलाब में और कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फंगस का डर रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें फंगस से बचाने के लिए और चींटियों के लिए भी। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि और ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए लाती रहूं और आप देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।